ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कहानी सुना रहा हूँ। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप तप और व्रत करते हैं तथा महाशिवरात्रि की कहानी सुनते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को होता है। कुछ लोग चतुर्दशी के दिन भी इस व्रत को करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इस दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का रुद्र के रूप में अवतरित हुआ था। प्रलय के समय इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नृत्य की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या कालरात्रि भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव ने तीनों लोकों की अपार सुंदरी तथा शीलावती गौरी को अर्धांगी रूप में पाया था। इसलिए सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और संपत्ति प्रदान करते हैं। कालों के काल और देवों के देव महादेव के इस व्रत को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और नर नारी किन्नर बालक वृद्ध सभी कर सकते हैं। इस व्रत को विधि विधान तथा स्वस्थ मन भाव से जो भी करता है भगवान से प्रसन्न होकर उसे अपार सुख संपदा प्रदान करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी सहज ही आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत की विधि बताकर महाशिवरात्रि की कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपने परिवार को पालता था। उस शिकारी ने एक साहूकार से ऋण लिया था लेकिन वह उसे समय पर चुका नहीं सका, जिससे साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश वह महाशिवरात्रि का दिन था और वहां कीर्तन चल रहा था। शिकारी ध्यान मग्न होकर कीर्तन तथा शिव संबंधित धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि का व्रत कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने शिकारी से ऋण संबंधी बात की, तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दिया और बंधन मुक्त होकर वहां से चला गया। चित्रभानु वहां से सीधा जंगल में शिकार खोजने गया। भटकते भटकते उसे रात हो गई लेकिन शिकार नहीं मिला। वहां एक बेल का पेड़ था जिसके नीचे शिवलिंग था। रात को शिकार के लिए वह उसी बेल के पेड़ पर चढ़ गया और नींद न आ जाए इसलिए वह बेल पत्र को तोड़कर नीचे गिराने लगा। वह बार बार बेल पत्र तोड़ता और नीचे गिराता जिससे बेल पत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर जा गिरने लगे। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से शिकारी का व्रत भी पूर्ण हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत जाने के पश्चात वहां एक गर्भवती हिरणी आई। उसका शिकार करने के लिए शिकारी ने जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया तो वह हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो दो जीवों की हत्या करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी के मन में दया आ गई और उसने हिरणी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण उधर से निकली जिसे देखकर शिकारी प्रसन्न हो गया और अपने धनुष पर बाण चलाया। उसे देखकर हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विहरणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौटाऊंगी। उसकी बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का अंतिम पहर बीत रहा था कि तभी एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से गुजरी। उसे देखकर शिकारी ने तुरंत ही अपना धनुष उठाया और बाण चलाने ही वाला था कि वह मृगी बोली, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे जंगल में भटक जाएंगे। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी बोला, मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी। मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर मैं तुम्हारे पास आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर वचन सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल के पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर गिराता जा रहा था। जब सुबह होने को आई तब एक हष्ट पुष्ट मृग उस तरफ आया। तब शिकारी ने सोचा कि इसका तो अवश्य शिकार कर लूँगा। जब उसने धनुष पर तीर चढ़ाया तो वह मृग बोला, यदि तुमने पूर्व में आने वाली तीन मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। मैं उन तीनों का पति हूँ और यदि तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी कुछ क्षणों का जीवन दान दे दो।
उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा। मृग की बात सुनकर पूरे रात का घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने सारी बात मृग को बताई। तब उसने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से उनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी और वह अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेंगी। जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी कुछ क्षणों का जीवन दान दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पर चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष बाण उसके हाथ से सहज ही छूट कर गिर पड़े। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणामय भाव से भर गया। वह आज अपने अतीत के कर्मों को याद कर पश्चाताप की आग में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार सहित उस शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता के और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसकी आंखों से आंसू झरझर कर गिरने लगे। वह मृग परिवार को नाप मारकर शिकारी ने अपने हृदय को कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देवी देवता भी इस घटना को देख रहे थे। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पहली बार प्रकट हुए थे। उनका उद्भव ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और न अंत। बताया जाता है कि इस रहस्य का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वह कभी शिवलिंग के ऊपरी भाग तक पहुँच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी बारह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन वह असफल रहे। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और कथा यह माना जाता है कि इस दिन ही 64 अलग अलग जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे। हालांकि इनमें सिर्फ 12 जगह का नाम पता है जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं ताकि लोग शिव जी के अग्नि वाले अनंत लिंग की महिमा जान सकें। महाशिवरात्रि को पूरी रात से भक्त अपने आराध्य का गुणगान करते हैं। मानता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इस दिन शिव जी ने बैराग जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था, इसलिए महाशिवरात्रि की रात में शंकर जी की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।